हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ने कहा, शांति और सौहार्द पूर्वक मनाए बकरीद का पर्व, दी शुभकामनाएं। शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में ओएमआई कंपनी के मैनेजर का हत्या आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, सीओ क्राइम ने किया खुलासा। मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल में किए जा रहे विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 5,000 रुपये लेते श्रम विभाग का वरिष्ठ सहायक लिपिक को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार, कैंट पुलिस को किया सपोर्ट। सद्भावना दिवस पर रेलवे के जीएम राजीव अग्रवाल ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एकता और सद्भावना की दिलाई शपथ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में दिव्यांग जनों के लिए 4 सप्ताह के ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ, कहा प्रशिक्षण से स्वावलंबी बनेंगे दिव्यांग। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मनाया पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती समारोह। बोतल में पेट्रोल नहीं दिए जाने पर भिड़े पेट्रोल पंप कर्मी और उपभोक्ता, मामला सीसीटीवी में कैद, एसपी सिटी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। चौरी चौरा के मुसहर जाति के बहुल ग्राम में जिलाधिकारी ने लगाया चौपाल, लोगों की समस्याएं सुनकर दिया निस्तारण का आदेश। नकबजनी और लूट की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को खोरावार पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया घटना का खुलासा। सावन के अंतिम सोमवार शिवालय में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। खोरावार पुलिस के हत्थे चढ़ा चैन स्नेचर, एसपी सिटी ने किया खुलासा। बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी चुनाव में मतगणना कार्य तीसरे दिन सोमवार को भी रहा जारी, देर शाम परिणाम आने के बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष में वीरेंद्र श्रीवास्तव और घनश्याम तिवारी तथा उपाध्यक्ष में ललित पांडे और संपूर्णानंद पांडे ने शानदार जीत की हासिल। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से किया गया स्कूलों का आवंटन। नियम विरुद्ध काउंसलिंग का आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने डेट कार्यालय पर जमकर किया विरोध प्रदर्शन, बीएसए ने कहा शासन के नियमों के आधार पर हो रही है काउंसलिंग। मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस विभाग की संख्या को बढ़ाए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में दिया धरना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। कपरिया जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। और प्रधान डाकघर में डाक सहायक पद पर कार्यरत संजय कुमार राय ने सीनियर नेशनल ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किया हासिल, पोस्ट मास्टर जनरल सहित विभाग के लोगों ने किया सम्मानित।